ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाए हैं इस तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ। तो चलिए, अब देर किस बात की है, आज हम लड्डू बनाएंगे भी और हम आज से खाएंगे भी। अब हम चलते हैं बनाने की ओर। इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स वाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आटा के लड्डू। जो मैंने ये 350 ग्राम गेहूं का आटा लिया है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, तो ये 350 ग्राम आटा है। इसमें लड्डुओं में डालने के लिए मैंने ये लिया है। बिना ड्राई फ्रूट्स के तो लड्डू बन ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये गोंद ली है 150 ग्राम, ये एक बाउल मखाने गरी कटी हुई, और ये घी लिया है मैंने, इतना भी लिया है। देखते हैं कम पड़ेगा तो और ले लेंगे। और ये मैंने बूरा लिया है तगार, ये पिसी चीनी है। ये मीठा खाना पसंद है तो तगार डालेंगे, लेकिन उस मीठा के लिए कुछ मीठा ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये पिसी चीनी, जो नौ चीनी होती है हम डेली यूज करते हैं उसी का मैंने पाउडर बना लिया है। और ये है पिस्ता, चिरौंजी, बादाम, और ये है किशमिश, काजू, और ये खसखस जिनको मैंने लिया है, और ये है गरी या कोकोनट जिसको काट लिया था मैंने। अच्छा, यदि आपको काजू ना डालना, मैंने मूंगफली के दाने लिए आपको दिखाने के लिए, पर मैं इनका यूज नहीं करूँगी। यदि आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो ये मूंगफली के दाने, ये तो रोस्टेड हैं, आपके पास रोस्टेड हों या कच्चे हों तो उन्हें आप रोस्ट करके, और ये काजू का काम करेंगे मूंगफली के दाने, तो आप इनको डाल सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए, सजेस्ट करने के लिए आपको ये दिखाए हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे घी। तो हम सबसे पहले इन सबको, ड्राई फ्रूट्स जो हमारे हैं, इनको हम घी में भूंजेंगे। देखिए, अभी मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच घी डाल दिया है। देखिए, आधा। अब इसको हम मेल्ट होने देंगे, ये मेल्ट हो जाएगा घी, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। ये घी गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे ये ड्राई फ्रूट। सबसे पहले मैंने इसमें काजू डाल दिए हैं और ये पिस्ता भी डाल दिया, दोनों एक साथ भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने धीमा कर दिया है, लीजिए, और इनको हम निकालेंगे। ये भून के तैयार हो गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें गरी। तो लीजिए, मैंने ये गरी भी डाल दिया, गरी और बादाम दोनों चीज मैंने इसमें भूनने के लिए डाल दिए। इनको भी हम भून लेते हैं। अभी डाल दिए मखानों को हम भून लेते हैं। हाँ, यदि आप घी कम खाते हो, आप घी पसंद ना कम करते हो, तो आप ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं, जो मैंने घी में डाल के भुना है सब, आप उन्हें ड्राई फ्रूट कर सकते हैं। लीजिए, मखाने भी भून के तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये चिरौंजी और किशमिश, जो एक साथ मैंने इसमें दोनों चीज़ डाल दी, तो तुरंत ही भुन जाती हैं। तो गैस की फ्लेम कम करेंगे धीमा, और चिरौंजी और किशमिश हम इस ड्राई फ्रूट के जो हमने गरी मखाने निकाले उनके साथ हम नहीं निकालेंगे, ये मैंने अलग निकाले हैं, क्योंकि मैं काजू मखाने ही भूनूँ पीसूँगी इनको, लेकिन किशमिश और चिरौंजी को नहीं, इसलिए इसको मैंने अलग प्लेट में निकाला। ये मैंने कॉर्न डाल दी भुनने के लिए। गैस की फ्लेम बिल्कुल एकदम से धीमी है, ऐसे ही हम पूरी गोंद भून लेंगे। हो गया है तो इसमें मैं और 2-3 चम्मच घी डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे गोंद भूननी है।
अभी कम हो गया था, अब ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम गोंद डाल के भून लेंगे। और आपकी कढ़ाई में जैसा घी हो, कम घी हो तो कम कम एक एक चम्मच डाल के भूनें, और ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डाल के भून सकते हैं। वो घी के हिसाब से ही उसमें गोंद डाली जाती है। और मैंने डायरेक्ट डाले हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ही डालना है, आप कम भी डाल सकते हैं और आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद नहीं है वो आप नहीं डाल सकते, ऑप्शनल होता है। देखिए मैंने एक खसखस भी भून लिया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें जो थोड़ा बहुत खसखस है तो इसी में हम ये डाल देंगे आटा, खसखस भी इसी में हो जाएगा। लीजिए अब हाँ आटा हम ये भून लेंगे सिम कढ़ाई में। इसी खसखस के साथ मैंने इसमें गेहूं का ही आटा है, आप चाहें तो आप मैदा के भी बना सकते हैं। मैं हेल्दी और टेस्टी बना रही हूँ, बच्चों को डेली अपन मैदा तो नहीं खिला सकते हैं, तो इसलिए मैं गेहूं के आटे की लड्डू बना रही हूँ। जिनका सिर चकराता हो, कमजोरी महसूस होती हो, तो उनके लिए हेल्दी है, टेस्टी है, पौष्टिक लड्डू इनको हम बोलेंगे, पौष्टिक लड्डू है। तो आप भी बनाएंगे और आप खाएंगे, अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। देखिए ये आटा भुन चुका है, इसकी खुशबू आ रही है मेरी किचन में। और आपको मैं पास से दिखा दूँ, देखिए, और आपको मैं दिखा देती हूँ, ये आटा अभी बुना है और ये पहले का ये कच्चा है। देखो पहले ऐसा था अब ऐसा है, तो ये बन चुका है। हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हम होने देंगे ठंडा। ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए हैं तो उनको भी हम पीस लेंगे, थोड़ी मोटा मोटा दरदरा दरदरा रखेंगे। आप चाहें ड्राई फ्रूट, मुझे तो दरदरा करना है क्योंकि मेरे घर में सभी को ऐसे ही मेरी फैमिली में पसंद है। और आप चाहें तो आप साबुत डाल सकते हैं मखाने, अपनी मर्जी के हिसाब से आपको जैसा पसंद हो। और मैंने इसमें बूरा और चीनी दोनों डालने हैं, लेकिन आप जब चीनी डालना चाहें केवल तो आप चीनी डाल सकते हैं, और बूरा डालना चाहें तो आप केवल सिर्फ बूरा ही डाल सकते हैं, वो आपकी पसंद के ऊपर है। मैं आपको याद दिला दूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये सब फ्री में होता है। और सब्सक्राइब करें, आप न्यू हों तो ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे। और बेल आइकन दबाएं। लीजिए अब ये आटा भुन भी चुका है और कढ़ाई थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है, क्योंकि अब इसको हम छोड़ देंगे तो ये जलेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको बार बार यहाँ से वहाँ इसको करती रही हूँ। देखिए अभी परफेक्ट है, इसकी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है किचन में। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो अब इससे ये ख़राब नहीं होगा, जलेगा नहीं। पहले यदि छोड़ देते तो वो जल जाता। अब हम चलते हैं ड्राई फ्रूट्स दरदरा दरदरा पीसने के लिए। देखिए मैंने इसको दरदरा दरदरा पीस लिया है, जो काजू बादाम थे। देखिए अब इसमें हम डाल देंगे ये किशमिश और चिरौंजी, इसको भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। और इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर, इसको डाल दिया एक चम्मच, और काली मिर्च भी डालेंगे, और इसमें हम सौंठ का पाउडर भी डालेंगे एक चम्मच। अब इसमें हम मिलाएंगे जो मैंने बूरा लिया है, गरम गरम में ही हम ये बूरा को इसमें डाल देंगे। और ये जो चीनी है इसको भी हम डाल देंगे, एक दो तीन चार पूरे पांच चम्मच मैंने इसमें डाल दिए। लीजिए इसको डाल दिया, गरम है ये भी गरम है, इसको हम मिक्स कर देंगे। इसका रीजन आपको मैं
बाद में बताऊंगी, क्योंकि बुराए या तगारा बोलते हैं जो भी, तो उसको इस गरम गरम में मिलाने से क्या होगा। अब इसमें हम डालेंगे आटा जो हमारे पास रखा है भुना गरम है वो भी, तो उसको भी हम इसी में डालेंगे। इस आटा को भी मैं गरम में ही डाल दूंगी। अब इसे हम मिक्स करेंगे। अभी मैंने इसमें अलग से घी नहीं डाला है, इसको अब हम मिक्स कर लेंगे पूरा। हम पूरा आटा और जो इसमें मेवा डली है पूरी में मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। बचा था घी, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया और पूरा ही मिक्स कर दिया। अभी इसमें मुझे और घी डालना पड़ेगा, तो मैं घी और डालूंगी अभी इसमें। और गरम आटा है ना तो घी भी मेल्ट हो जाएगा। मैंने 5 से 6 चम्मच घी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे, क्योंकि इसे स्पून से करेंगे तो वो फैल सकता है। लीजिए, और गरम गरम में डालने से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कहते गरम में गरम आटे में चीनी मिलाएंगे या बूरा मिलाएंगे तो मेल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा बांधना। आपका यही भ्रम दूर करना था मुझे। देखिए, मैंने गरम आटे में मिलाया, कुछ भी नहीं हुआ है। अरे मेल्ट होगा तो क्या होगा, घी कम डालना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बर्तन से निकल जाए, इसलिए ये भी आपका भ्रम दूर कर दिया कि गरम आटा में बूरा मिलाने से मेल्ट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी बनाने में। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी बनने लगे, जैसे आपका 500 ग्राम आटा होगा तो उसमें आपको 350-400 ग्राम घी डालना पड़ेगा। देखिए लड्डू बनने लगे हैं, तो ऐसे ही हम लड्डू बना लेंगे। देखिए आप इन्हें कभी भी बना सकते हैं। देखिए हम पूरे लड्डू ऐसे ही बना लेंगे, छोटे बड़े आप अपने मर्जी से बना सकते हैं। ये लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। देखिए मैंने गरम आटे में ही बूरे में गरम आटा डाला था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बढ़िया हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। आप अपने बच्चों को ये बना के, आपके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हों तो आप उन्हें बना के खिलाएं और आप भी खाएं। आप किसी तरह की आपको कमजोरी हो तो आप उसमें खा सकते हैं। अच्छा लड्डू मैंने बनाए हैं, लेकिन इसमें मैंने एक और रूप दिया है इनको। यदि हम ऐसे बनाते हैं ऐसे, तो इन्हें हम बोलते हैं पिन्ने, तो ये भी आप बना सकते हैं। आपको ऐसा गोल पसंद नहीं है तो आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं। मैंने एक सामान से, घर के आटा से, कोई बाहर की ऐसी चीज़ नहीं, जो बेसिक हमारे घर में होती है, थोड़ी थोड़ी मेवा डाल के, काजू किशमिश डाल के मैंने ये लड्डू बना दिए हैं। अच्छा इस जगह मैंने पूरी मेवा घी में भुनी है। आप ड्राई रोस्ट कर सकते हैं या आप कोई ऑयल खाते हो जो आपको पसंद हो। आप घी अवॉइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, पर घी में बनेंगे लड्डू तो घी के ही होते हैं। बच्चों के लिए आप घी में ही बनाएं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।